अस्सलाम वालेकुम फेरी व्लॉग एंड अदर्स में खुश आमदीद। अच्छा जी, आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो ड्रेसेस के बारे में है, और ये ड्रेसेस जो हैं वो मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं ओपन करके जो है वो वन बाय वन आप लोगों को दिखाऊंगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। इसके अलावा भी और गिफ्ट्स थे और कार्ड्स थे बहुत ज़्यादा, जो मेरे स्टूडेंट्स ने, छोटे छोटे से स्टूडेंट्स ने जो है वो बड़े प्यार से बनाए थे, और उसको जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो एडिट कर दूँगी, ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो ज़रूर देखिएगा, पूरा व्लॉग मिस मत कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं आपको ये ब्लैक वाला ओपन करके दिखाऊंगी। ये आप ही ने भेजा है, वही जिनका जो है वो मैं मतलब अक्सर जिनकी वीडियोस जो है मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है, गुले अहद बाय वुमेंस फैशन के नाम से जिनका जो है वो YouTube का चैनल है, और FB का जो पेज है वो सदर ड्रेस डिज़ाइनर के नाम से है, ठीक है जी। तो उन्होंने ये गिफ्ट किया है मुझे, और रॉ सिल्क का है, ये स्टिच्ड है, ये वैसे मैंने पहन लिया है, ये भी पहन लिया है, और ये जो ये हुज़ैफ़ा की मदर ने दिया था, थैंक यू सो मच, तो ये भी मैंने जो है वियर कर लिया, लेकिन वो जो है वो भी स्टिच नहीं किया। और इसको भी मैं ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है मतलब नीचे इसका इनर है, ये ब्लैक में है, ये इनर है इसका, ठीक है, और ये लार्ज साइज़ जो है वो भिजवाया है, और ये जो है वो उसका ऊपर गाउन है। आजकल रॉ सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, और छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग जो है वो इसके ऊपर चली हुई है, रॉ सिल्क के ऊपर, रॉ सिल्क कह लीजिए, और एक कतान सिल्क भी जो है वो आजकल चली हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है ना। ये इसका ऊपर जो है वो गाउन था, ठीक है, और स्टिचिंग की बात की जाए तो स्टिचिंग क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है, ये देखें, और ये देखें, ये ओवरलॉक्ड है ना, ओवरऑल ये बहुत ही प्यारा ड्रेस था, ठीक है, और वियर किया भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब इसका इनर जो है मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाती हूँ, और ये जो है ये इसकी स्लीव्स हैं, ये लेस लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और गले पे भी है थोड़ी सी लेस, और ये ऊपर जो है वो ओपन ऐसे ही है, यहाँ पे कोई भी टसल लगा लें वो इट्स अप टू यू, वैसे ये ओपन ही जो है वो और बिल्कुल मतलब ठीक लगता है। और बिल्कुल प्लेन में जो है ये इसका ब्लैक कलर का ट्राउज़र था, ये भी स्टिच्ड ही था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो धूप की वजह से जो है ना वो ग्रेश कलर आ रहा है, लेकिन ये ब्लैक है। एक मिनट मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाती हूँ, ये देखें, ये अब ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है, कि मतलब बिल्कुल वाकई ब्लैक है ये। अब इसका इनर रख के जो है वो मैं इसके अंदर आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ओवरऑल जो है वो इसका लुक इस तरह से आता है। ये गाउन है, और नीचे जो है वो इनर है इसका, जो कि शॉर्ट है, गाउन जो है वो लॉन्ग था, काफ़ी भी नहीं था, बस सही था, नॉर्मल था ना। और ये इसके जो हैं वो स्लीव्स हैं, और ये इसके ऊपर इनर के ऊपर जो है ये ऐसे बटन्स लगे हुए हैं ना रेड कलर के, बहुत ही प्यारा ड्रेस था। थैंक यू सो मच आपा आपी सदफ ड्रेस डिज़ाइनर, और ये इसका जो है वो ट्राउज़र था, ठीक है। और अब जो है मैं दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ, ज़ैफ़ा की मदर वाला, ठीक है। एक्चुअली ज़ैफ़ा जो है वो मेरा स्टूडेंट है, तो उनकी मदर ने जो है वो मुझे गिफ्ट किया था, यह डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुज़ैफ़ा का भी नाम ले लेते हैं, थैंक यू हुज़ैफ़ा। ये लाइमलाइट का है, ये भी स्टिच्ड कर लिया था, और ये मैंने पहन भी लिया है, तो शायद इस वजह से जो है वो थोड़ी सी इसकी कंडीशन रफ रफ सी लग रही होगी उसकी भी। और ये जो है, लेकिन वीडियो जो है वो थोड़ा लेट मैंने बनाई है, और अपलोड भी जो है वो लेट ही कर रही हूँ। अच्छा जी, ये लाइम लाइट की शर्ट थी, ठीक है, और ये ऐसे लॉन्ग फ्रॉक बना हुआ था, और खद्दर जो है वो इसका स्टफ़ है, और स्टिच भी मैंने सेम जो है वो ऐसे ही करवाया है जैसे ये है ना। ये इसका इले कार्ड पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चेक करें, ये वन पीस ही था, ठीक है, शर्ट ही थी लाइमलाइट के। और ये मेरा ख्याल है कि ऑफ में भी जो है वो लगी रही है ना ये शर्ट,
चले इसको इधर रख देते हैं। और इसका ये जो ब्लैक था ना, इसका इले कार्ड वगैरह नहीं था, ये ऐसे ही आया था ना, मतलब रिसीव हुआ है ऐसे ही। ये थोड़ा सा रफ सा हो गया, चलें कोई बात नहीं। ये देखें, ये मैंने ऐसे स्टिच करवाया था जैसे ये था ना, ये चेक करें, ये जैसे इसके इले कार्ड में था बिल्कुल वैसे ही जो है मैंने स्टिच करवाया है। लेस लगवाई थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो टसल लगने वाला रह गया था, वन टाइम ही पहना, उसके बाद पहना ही नहीं है, तो दोबारा इंशाल्लाह अज़ीज़ जब भी पहनूंगी तो टसल लगवा के पहनूंगी। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा मदर, नेम नहीं पता वैसे मुझे उनका। इसके ना नीचे जो है ना, वो मैंने खद्दर का ही पिंक कलर का जो है वो ट्राउज़र लिया था ना, स्टिच करवाया था। इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है जितना इसका है, इससे हल्का सा जो है वो मतलब थोड़ा सा शॉर्ट है इससे, ये जो इल्ले कार्ड में है ना पिक्चर। ठीक है जी, तो ये दूसरा ड्रेस था। अच्छा जी, अब जो है ये जोहरा का ड्रेस है, ठीक है, गुलफाम। इसका जो है पहले मैं आपको इले कार्ड दिखा देती हूँ ओपन करके। जोरा का आर्टिकल है, ठीक है ये, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, पीच लेदर के ऊपर है। और थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसकी जो है वो मैं इंफॉर्मेशन आपको बताती हूँ, आर्टिकल इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा ब्लर हो गई है वीडियो। अच्छा जी, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो फ्रंट है, एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो बैक है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो स्लीव्स भी हैं, और वूल की जो है वो शॉल है इसके ऊपर भी, मतलब ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ ना एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ये जस्ट ना ये पट्टी लगी हुई है ना इसके ऊपर, फोर साइड बॉर्डर कह लीजिए शॉल के ऊपर भी। और प्लेन जो है वो कैम्ब्रिक ट्राउज़र है, ठीक है जी। तो ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी मैं पिक्चर भी जो है ना, जो मेरे पास आई थी ना, वो भी आपको दिखाऊँगी ना। ये भी स्टिच नहीं करवाया इंशाल्लाह अज़ीज़, जल्दी जो है वो स्टिच करवा के आपको दिखाऊंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो है वो इसकी शॉल निकल आई है सबसे पहले, और ये जो है ना वो जिसको कह लें ना कि प्योर पीच लेदर जो है ना, ये वो वाला है स्टफ़, और ये बहुत ही ज़्यादा ना मतलब ज़्यादा भी नहीं गर्म होता है वैसे। ये देखें, ये इसके ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो है ना वो कंट्रास्ट बहुत प्यारा है, मेरा एक खद्दर का सूट था सेम, उसका भी जो है वो यही कंट्रास्ट, और पहना वो बहुत प्यारा लगता था। ये देखें, ये ऐसा ना मतलब एम्ब्रॉयडरी है ये फोर साइड पे शॉल के। ये देखें, और ये जो है ये इसका ट्राउज़र है, ये प्लेन ट्राउज़र है कैम्ब्रिक, ये इस तरह का कुछ स्टफ़ होता है, लेकिन होता गर्म ही है ना। ये खद्दर जो है वो भी मतलब इतनी ज़्यादा स्वेट सर्दी में जो है ये भी ठंडी ठंडी सी लगती है खद्दर जो है, ठीक है, मतलब लाइट लाइट सी लगती है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सही लगता है ना इससे। अच्छा, ये ना सबसे पहले हमने शर्ट निकालनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसके स्लीव्स हैं, ठीक है, और ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, मतलब कि लग्जरी ड्रेस है और गरम है। ये इसके ऐसे स्लीव्स के ऊपर ना फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड एम्ब्रॉयडरी है, और ये जो है ये आई थिंक इसकी बैक है, आई थिंक नहीं सही है, कंफर्म है ये ग्रीन कलर है, बहुत ही प्यारा, जिसको कहते हैं ना दरबारी रंग। ये अब इसमें थोड़ा सा लाइट आ रहा है, वैसे ये डार्क है, बहुत खूबसूरत है ये कलर। ये जो है ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, ये बैक है, क्योंकि फ्रंट पे जो है वो गले पे कढ़ाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इले कार्ड में आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें ज़रा, अभी जो है मैं इसका फ्रंट आपको दिखाती हूँ। ये जो है इसका फ्रंट है, और ये जो है वो इसकी बैक पैकेजिंग थी, ठीक है जी, इस तरह से।
ये है जी इसका फ्रंट जो कि बहुत ही प्यारा है और हैवी हैवी सा है थोड़ा सा। ये चेक कीजिए, ये देखिए ये फ्रंट है इसका, ठीक है। और ये सारी एम्ब्रॉयडरी है नेकलाइन, और ये जो है वो बॉर्डर है नीचे। मैं करीब से भी दिखा देती हूँ, बहुत ही फाइन जो है वो इसकी एम्ब्रॉयडरी है। थैंक यू सो मच विशु, विशु ने जो है ये मुझे गिफ्ट किया है, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत और हसीन ड्रेस है, लग्जरी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज का जो है वो मेरा व्लॉग यहीं तक था, और बाकी जो भी गिफ्ट्स थे मैं उसकी एडिटिंग कर दूंगी, ठीक है। एक जो है वो ड्राई फ्रूट्स की पूरी एक बास्केट थी, वो भी मैं इंशाल्लाह जो है मैंने शॉर्ट्स में भी लगाई थी, इसमें भी लगा दूंगी ना, ठीक है, एडिटिंग कर दूंगी बाद में, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मेरा वॉच टाइम रहता है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स जो है मेरे पूरे हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ज़रूर जो है वो मतलब शेयर कीजिएगा और कंप्लीट जो है वो वीडियो देखा करें, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वो जल्द अज जल्द पूरा हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Freeha, happy birthday to you. Thank you.